Hey friends, hello. Welcome once again. I am your friend Dr. Alinur Qureshi और मैं आपका स्वागत वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, आपका दोस्त. और आज का जो टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं. आज हम जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. उसमें भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि सर आप जो है डॉर्सो ग्लूटियस और वेंट्रो ग्लूटियस रीजन के बारे में एक वीडियो बताइए. तो ये जो वीडियो है, हमारा जो बटक का रीजन होता है जहाँ पे ग्लूटियस मसल रहते हैं और जहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर कमर में जो इंजेक्शन देते हैं, वहाँ का ये आज का वीडियो बनने वाला है दोस्तों, तैयार होने वाला है. और थोड़ा सा मैं ड्राइंग भी करके बताऊँगा आपको कि किधर क्या है. तो ये जो वीडियो है, हमारे एक सब्सक्राइबर है रफीक शेख, उन्होंने हमसे कमेंट किया था. तो आपके लिए और हमारे सभी सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स. तो डॉर्सो ग्लूटियस और वेंट्रो ग्लूटियस के बारे में मैं थोड़ा बातें बताऊँगा आपको. डॉर्सो ग्लूटियस जो है, ये जो रीजन है, ये जो टोटल बटक का रीजन है फ्रेंड्स, इसमें जो है ये इसके हमें चार हिस्से करना है, जैसा आप देख रहे हैं. 1, 2, 3, 4. तो हमारा जो इंजेक्शन का साइड है फ्रेंड्स, वो नंबर वन ही है. यही साइड हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वेंट्रो ग्लूटियस साइड है. और ये जो मीडियल, इसके थोड़ा मीडियल साइड में है, वेंट्रो ग्लूटियस के बाजू में जो है डॉर्सो ग्लूटियस रीजन है, वो हमारा इंजेक्शन का साइड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन तैयार होते हैं फ्रेंड्स. तो मैं आपको थोड़ा सा ये दोनों जगह के बारे में मालूमात दूंगा कि वेंट्रो ग्लूटियस और डॉर्सो ग्लूटियस में जो है, यहाँ के जो मसल होते हैं, मसल जो है थिक है और यहाँ के मसल थिन है. यहाँ का जो टिश्यू है वो थिक है ऊपर का, और यहाँ का टिश्यू जो है वो थिन है फ्रेंड्स. और यहाँ पे जो है, इस पोजीशन में आप जो है कैसे भी इंजेक्शन दे सकते हैं. पेशेंट को पीठ के द्वारा सुला दीजिए, पेट के द्वारा सुला दीजिए, या लैटरल सुला दीजिए, यहाँ पे दे सकते हैं. पर यहाँ पे डॉर्सो ग्लूटियस में वैसा इंजेक्शन हमें देते हो, थोड़ा सा हर पोजीशन में हम इंजेक्शन देते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. और दूसरी बात जो है, यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे वेंट्रो ग्लूटियस रीजन में आप इंजेक्शन देंगे तो यहाँ पे साइटिक नर्व यहाँ पे नहीं होती है, तो उसका डैमेज के चांसेस कम है फ्रेंड्स. और यहाँ पे आपको जो है, हमारे जो बोन्स रहते हैं, वो बोन्स का पाल्पिटेशन यहाँ पे करने आता है. पर डॉर्सो ग्लूटियस रीजन में जो है, बोन का पाल्पिटेशन आपको जो है फ्रेंड्स करने नहीं आता. और जैसा बताया मैं, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो है साइटिक नर्व होती है, यहाँ से जो है नर्व्स चालू होते हैं. और यहाँ पे जो है नर्व का ज़्यादा हिस्सा नहीं है, यहाँ पे जो है ज़्यादा ब्लड वेसल्स भी नहीं रहते, खाली यहाँ पे जो है कुछ वेन्स और कुछ रैम रहते, वो जो है नर्व तो है यहाँ से शुरू होता है. तो सब में इम्पॉर्टेंट जो है, वेंट्रो ग्लूटियस रीजन जो है वो इंजेक्शन के लिए एक बहुत अच्छी साइट है, एज़ कम्पेयर टू डॉर्सो ग्लूटियस साइट, जो अंदर का साइट है. क्योंकि यहाँ पे साइटिक नर्व है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स. और यहाँ का जो अंदर का मसल है वो भी थिन है, तो इसलिए जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. पर यहाँ का मसल थिक है, बराबर है क्या, तो यहाँ पे इंजेक्शन अच्छे तरीके से देने आता है. तो यहाँ पे जो है इंजेक्शन हमें परपेंडिकुलर 90 डिग्री में हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना होता है. और यहाँ पे जो है, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, ये जो है ये एक बहुत ही अच्छी इंजेक्शन की साइट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं. और यहाँ पे हमें जब इंजेक्शन हम दे रहे हैं, वेंट्रो ग्लूटियस हो, डॉर्सो ग्लूटियस हो, तो वहाँ पे मसल की थिकनेस का हमें ख्याल रखना होता है, क्योंकि मसल की थिकनेस, कभी कभी यहाँ के मसल डेवलप नहीं होते हैं, तो हमें उस टाइम पे वहाँ पे इंजेक्शन अवॉइड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेशन का प्रॉब्लम रह सकता है. वेंट्रो ग्लूटियस रीजन में जो है दोस्तों, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, कभी कभी यहाँ पे जो है, यहाँ का जो टेंसर, जो यहाँ का जो फैशिया है, टेंसर फैशिया लैटिया बोल के यहाँ पे जो एक मसल होता है, कभी कभी उसका टेंडन मसल होता है, उसका डैमेज होता है. पर ये ओल्ड एज में होता है, जहाँ पे मसल तो वीक होते हैं, लूज होते हैं, वहाँ पे हो सकता है. या जो बेड रिटर्न पेशेंट है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, बट यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए ये जो है इंजेक्शन के लिए बेस्ट साइड है एज़ कम्पेयर टू डॉर्सो ग्लूटियस. तो वेंट्रो ग्लूटियस साइड जो है वो इंजेक्शन के लिए दोस्तों एक बेस्ट साइड है एज़ कम्पेयर टू डॉर्सो ग्लूटियस साइड. और इसमें बताया जाए तो, और ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे इंजेक्शन देना है. और दूसरी बात, ये तो हुआ एडल्ट में. अगर कोई बच्चा है जो 10 साल से नीचे है, या 8 साल से नीचे है, 5 साल से नीचे है, तो उस कंडीशन में ग्लूटियस ये रीजन में इंजेक्शन नहीं देते. 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको जो है
यहाँ पे जो है लैटरल साइड में ये जो है वास्ट्रस लैटरलिस जो मसल रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हम इंजेक्शन देते हैं बच्चों में, तो लैटरल साइड में वो इंजेक्शन दिया जाता है। मैं उसका फ़ोटो भी आपको बताऊंगा वीडियो में। तो यहाँ पे इंजेक्शन बच्चों में देते हैं क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन का ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो ये जो है इंजेक्शन का, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे दे, उसका एक मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलो।